एमडिल में आपका स्वागत है। सैलेड आपके डाइट का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, आइए जाने क्यों। सैलेड में कोई भी चीज जो उसे रंगीन बनाती है उसमें ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा दूसरी सब्जियों से ज्यादा होगी। अब जैसे टमाटर के अंदर लाइकोपेन होता है जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, और सभी महिलाएं जिन्हें ग्लोइंग स्किन चाहिए वो टमाटर खाइए, क्योंकि स्किन का जो ग्लो है वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। गाजर, बग्स बनी का फेवरेट, ये आपका भी फेवरेट होना चाहिए। ये खूबसूरत ऑरेंज रंग का है, ठीक है, और ये ऑरेंज रंग बीटा कैरेटिन की वजह से आता है, तो यानी बीटा कैरेटिन और विटामिन ए और बहुत से मिनरल्स और फास्फोरस बहुत ही अच्छी चीज है और फैट बर्निंग भी। मेरा अगला सैलेड है बेल पेपर यानी शिमला मिर्च। बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते लेकिन ये शायद सबसे हरा वेजिटेबल है और इसे पचाने में हमारे बदन की ज्यादा ऊर्जा लगती है और इससे हमें उतनी ऊर्जा मिलती भी नहीं है। यानी ये नेगेटिव कैलोरीज देता है। बिल्कुल, ये नेगेटिव कैलोरीज देता है। बच्चे, बहुत से बच्चों के लिए ये उनका फेवरेट होना चाहिए बीट रूट। इसमें एक खास किस्म का अमीनो एसिड होता है आर्जिनिन। अब आर्जिनिन आपके खून में मिलकर एक काम करता है जिसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। अगर ये आपके नस की साइज है तो वैसोडाइलेशन से आपकी ये नस बड़ी हो जाती है। अच्छा, अब अगर खून की नस बड़ी हो जाए तो क्या होगा? तो आपका खून तेजी से दौड़ेगा, जो अच्छी बात है। बिल्कुल, यानी इससे खून को ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। ये पाइनएप्पल खाना भी जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि पाइनएप्पल के अंदर फैट को बर्न करने की क्षमता होती है। इससे सैलेड को एक खटास भी मिलती है। अगर पाइनएप्पल पसंद ना हो तो ग्रीन एप्पल खाने चाहिए, उससे सैलेड की एसिडिटी बैलेंस होती है। अब आगे है ये धनिया, पचने के लिए अच्छा और इससे आपके सैलेड को एक स्वाद मिलता है। ये मटर, ये मेरे बहुत फेवरेट हैं, लेकिन ये बेचारे सैलेड में नजर ही नहीं आते। हाँ, लेकिन आप इन्हें डाल सकते हैं, डालना चाहिए। ऐसी भी सैलेड रेसिपीज हैं जहाँ हाँ, और ये ग्रीन पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक न्यूट्रिशन कोच होने के तौर पर मैं मटर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और आखिर में ये रह गया है अपना ये प्याज। इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यानी अपने सैलेड में अगर प्याज डाला जाए तो हो सकता है मुंह से बदबू आए, लेकिन मुंह से बदबू आने से ज्यादा इसमें वो चीजें हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। तो ये सभी वेजिटेबल्स बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती हैं और ऐसी कई सैलेड रेसिपीज हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए सैलेड जरूर खाइए। हमारे साथ एम दिल में जुड़ने के लिए शुक्रिया।